नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके कारण आप लगभग 3 या 5 महीने से परेशान होंगे। यदि आप वेबसाइट ओनर हैं या ब्लॉगिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि गूगल का कोर अपडेट मई के महीने में लगभग 3 मई को आया हुआ था और उसके बाद सडनली काफ़ी सारे लोगों की वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो गई थी। ठीक है ना, मेरी भी एक वेबसाइट ऐसी थी जो काफ़ी अच्छी रैंक कर चुकी थी और अचानक गूगल का जब कोर अपडेट आया 3 मई 2020 को तो मेरी वेबसाइट की रैंकिंग एकदम डाउन हो गई। मैं भी डर गया, साला क्या हुआ। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च किया तो पता चला कि गूगल का कोर अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो आप भी यदि गूगल के कोर अपडेट से परेशान हो कि रैंकिंग डाउन तो हो गई है, सबकी हुई थी, कितने लोगों की नहीं भी हुई थी, मेरी एक वेबसाइट की नहीं हुई थी और एक जो 2 वेबसाइट और थी उन दोनों वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो गई थी। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि यदि आपकी वेबसाइट गूगल के कोर अपडेट के बाद डाउन हो गई है तो आपको क्या करना है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ, हमेशा मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सब कुछ समझाऊँ। ठीक है, तो वेबसाइट की रैंकिंग मेरी कैसी डाउन हुई है, ग्राफ की ग्राफ पूरा बताऊँगा और मैंने अपनी वेबसाइट में क्या इम्प्रूवमेंट किया, यही सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गूगल के कोर अपडेट के बाद आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है, सबकी हुई थी, कितने की नहीं भी हुई है, लेकिन हो गई तो अब करना क्या है, मैंने क्या किया, वो सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे प्रैक्टिकली वीडियो डालते रहता हूँ और हमेशा मतलब जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो प्रैक्टिकली होता है लाइव। ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ सके और मैं जस्ट आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 5-6 साल से इस ब्लॉगिंग के फील्ड में हूँ और काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया जब मेरी वेबसाइट डाउन हुई थी तो, और आपको भी क्या करना होगा। ठीक है, तो जल्दी से डेस्कटॉप में चलते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि गूगल का कोर अपडेट जो आया था वो मई के महीने में आया था, लगभग 4 मई को आया हुआ था, जो गूगल की गूगल की वेबसाइट में दिया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि मतलब ये गूगल का अल्गोरिथम जब चेंजेस होता है, गूगल ऐसे हमेशा मतलब अपडेट लाते रहता है ताकि कुछ इलीगल चीज़ें जो करते हैं लोग वो मतलब पकड़ा जाए ऐसे। तो ये गूगल का कोर अपडेट आने से काफ़ी लोगों की वेबसाइट डाउन हो गई थी और मैं अपनी वेबसाइट का भी परफॉर्मेंस बता देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है indnaukri.com, ये लगभग आप देख सकते हो ये मेरी पोजीशन की ग्राफ है। ठीक है, ये पोजीशन जो है ये आप देख सकते हो कि मई के महीने में लगभग 4 मई को जब ये आया था तब 7 के बाद ये 10 हुई, फिर देखो ये आप के सामने है 13 हुई, 11 हुई, 13 हुई, 19 हुई, 17 हुई, ये एकदम मेरी पोजीशन एकदम डाउन हो गई थी। ठीक है, 19वीं पोजीशन में मेरा मतलब हो गया था, 19वीं पोजीशन पे सबसे लास्ट वाला देख सकते हो आप, 25 पोजीशन तक मेरी वेबसाइट डाउन हो गई थी, कहाँ मतलब 7 या 3 पे थी, ये 7-8, ये 7 की पोजीशन से डायरेक्ट 25 की पोजीशन पे मैं अपनी वेबसाइट आ गई थी। तो मैं एकदम से डर गया, क्या हुआ। फिर मैं सब लोगों का वीडियो भी देखा
कितने लोगों ने बताया था कि गूगल का कोर अपडेट आया है, इसलिए मैंने सोचा चलो अब देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने रिसर्च किया कि अब करना क्या है, मतलब कैसे करें कि अपनी पोजीशन फिर से वही की वही आ जाए। जैसे आप देख सकते हो कि ग्राफ मेरा वहीं का वहीं आ चुका है जो इसके लेवल पे था, ठीक है। तो काफ़ी मतलब तो भी मुझे लगभग एक महीने जितने हो गए, देख ले अब, मतलब 22-23 तारीख से मेरी रैंकिंग फिर से बढ़ने लग गई यहाँ से, ठीक है। तो मैंने किया क्या, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा कि ये जो पोजीशन मेरी अप हुई है वो किस वजह से और मैंने क्या किया ऐसा कि ये पोजीशन मेरी लगातार अब बढ़ने लग गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाला इम्प्रेशन टोटल क्लिक वाला है, तो टोटल क्लिक भी मतलब जो ट्रैफिक आता है वो टोटल क्लिक की वजह से मतलब पता चलता है। तो यहाँ देखिए आप, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने ऐसा क्या किया। तो मैंने क्या किया कि अपनी जितनी भी पोस्ट मैंने डाला हुआ था, सबसे पहले तो उसको मैंने अपडेट किया, हर एक पोस्ट को, हर एक पोस्ट में गया, हर एक पोस्ट का जो टाइम ऑफ पब्लिशिंग का जो टाइम था उसको, टाइम को मैंने करंट टाइम दे दिया, करंट डेट दे दिया। जैसे आप 2 महीने पहले जो पोस्ट डाले थे उसको मैंने करंट डेट में डाल दिया। वैसे अपडेट का वो वर्डप्रेस की यदि आप यूज करते हो, वर्डप्रेस मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे कि मैं हमेशा प्रैक्टिकली बताते रहता हूँ। अभी ओपन हो रहा है, मैं बता देता हूँ कि जैसे ये पोस्ट को मैंने गया यहाँ पे, हर एक पोस्ट में जितने भी मेरी वेबसाइट में पोस्ट थी उनके एडिट में गया। एडिट में जाने के बाद थोड़ा इंटरनेट स्लो है, फटाफट बताना चाह रहा था लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा डाउन हो गया, ठीक। तो ये जो पब्लिशिंग डेट है 12 अगस्त 2020, ये तो मैंने अभी जस्ट 12 तारीख को ही डाला, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे चेंज कर सकते हो, तो जस्ट इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपको चेंजेस कर देना। तो ऐसे मैंने उस वेबसाइट में जितनी भी पोस्ट थी सबकी डेट मैंने चेंजेस कर दिया और फिर से उसको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग के लिए भेज दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, गूगल को लगा कि इसने अपडेट कर दिया है कुछ, ठीक है। मेन तो गूगल ने अपडेट लाया है, तो अपडेट में इन लोगों की वेबसाइट डाउन हुई जो लोग मतलब पिछले 2-3 महीने से एक भी पोस्ट नहीं डाल रहे थे, ठीक है। जो रेगुलर बेस पे पोस्ट डाल रहे थे उनकी वेबसाइट को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो मैंने क्या किया कि अपनी जितनी भी पोस्ट थी जो रैंक कर रही थी पहले भी, मैं ऐसा सोच रहा था कि अपनी डेट बदलने से ये नहीं होगा, तो भी मैंने सभी जितनी भी पोस्ट थी उनकी डेट चेंज किया, करंट डेट कर दिया था। 2-3 महीने या 5 महीने पुरानी जो भी पोस्ट की डेट मैंने चेंजेस कर दिया, प्लस उसके बाद मैंने डेली बेसिस पे मतलब इसमें पोस्ट डालने लग गया, ठीक है। मैं लगभग और अपडेट आया ना तो उसके 3-4 महीने तक मैं वो नई पोस्ट डाल ही नहीं रहा था, इसलिए मेरी वेबसाइट डाउन हुई थी। जिन लोगों ने कंटिन्यूस मतलब डेली बेसिस पे जो पोस्ट डालते हैं उन लोगों को गूगल का कोर अपडेट जो आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर से उनकी वेबसाइट और अप हो गई, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला था कि गूगल के जो कोर अपडेट आया हुआ है तो उसमें आपको 2 काम करना है। पहले तो आपकी वेबसाइट में जाकर जितनी भी पोस्ट है सबकी डेट ऑफ पब्लिश का वो बदल देना है, मतलब करंट डेट डाल देना है, ठीक है। और दूसरा काम करना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डालते रहना है, ठीक है। तो ये 2 काम करोगे तो आपकी वेबसाइट जैसी थी वैसी हो जाएगी,
ठीक है, तो यही मेरा आज का अपडेट था, और ये जेन्युइन तरीका है, कोई मैंने इलीगल तरीके से नहीं बताया है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए कि आपके वेबसाइट में जितनी भी पोस्ट है, 100, 150, 200, उन सभी की डेट चेंज कीजिए, प्लस नया आप पोस्ट डालते रहिए, वीकली 2-3 आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इतना तो बनते ही, आप यदि ब्लॉगिंग करते हो तो वीकली आपको 2 या 3 पोस्ट तो डालना चाहिए। ठीक है, तो यही था आज का मेरा वीडियो का अपडेट। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी, मेरी वेबसाइट, मेरी चैनल में जाकर वीडियो देखिए, सभी वीडियो मतलब प्रैक्टिकली मैंने बताया हुआ है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं प्रैक्टिकली ही बताता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल अच्छा लग रहा हो आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं ऐसे ही वेबसाइट रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ, और अपना नॉलेज शेयर करते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।